कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान को जलन हो रही है। सीएम पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहा है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के तार भी अब पाकिस्तान से जुड़े हैं। हरियाणा पुलिस के पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि अहसान मेवाती नाम के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लोगों को उकसाया गया। इस सोशल मीडिया अकाउंट पर अलवर की लोकेशन दर्ज की गई थी, लेकिन असल में अहसान मेवाती नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ वीडियो डालने वाला जिशान उस्ताद पाकिस्तान में बैठा। दूसरी ओर 31 जुलाई को सुलगी हिंसा की आग अब तक शांत नहीं हुई है। धर्म की हांडी पर अभी भी हिंसा की आंच सामाजिक ताने बाने को झुलसा रही है। पुलिस लगातार हिंसा के आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर ली, लेकिन नूह में हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उसने नूह में भड़की हिंसा के तार सरहद पार पाकिस्तान से जोड़े हैं। हरियाणा पुलिस की पड़ताल में पाकिस्तानी यूट्यूबर जिशान मुश्ताक लाहौर से वीडियो पोस्ट कर रहा था। वो वीडियो अपलोड करने के लिए पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। इसी नेटवर्क से पाकिस्तान सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंटरनेट सेवा देती है। बताया जा रहा है कि जिशान मुश्ताक ने ही मोनू मानेसर को मारने और हिंसा भड़काने के लिए भीड़ को उकसाया था। वो 31 जुलाई को लगातार आगजनी और तोड़फोड़ की वीडियो जारी कर रहा था। पुलिस को शक है कि नूह में जिशान मुश्ताक का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल जिशान मुश्ताक की ओर से हिंसा की वीडियो अपलोड करने के 48 घंटे के भीतर 1,45,000 लाइक मिले और उसके यूट्यूब चैनल पर 80,000 फॉलोअर्स थे। हालांकि अब जिशान के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। मामले में अब तक 100 FIR दर्ज की गई है। 200 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 80 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। भड़काऊ पोस्ट के मामले में 2300 से ज़्यादा वीडियो की जाँच चल रही। नूह में हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा, अवैध इमारतों को धूल में मिलाया जा रहा। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से प्रशासन पूरी तरह से सक्रियता से काम कर रहा है और इसीलिए शनिवार को अधिकारियों ने नूह में नुल्लहड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास 2.6 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। लगभग 2 दर्जन मेडिकल स्टोर और अन्य दुकानें जमींदोज कर दी गई। नुल्लहड़ के शहीद हसन खान मेवाती सरकारी कॉलेज में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच बुलडोजर चलाया गया। ये दुकानें वहाँ कई सालों से हैं। उप संभागीय मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने कहा कि अवैध निर्माण थे। उन्होंने कहा कि तोड़े गए ढांचों के मालिकों को पहले ही नोटिस दे दिए गए थे। धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कुछ अवैध ढांचों के मालिक भी शामिल थे। ये अभियान जारी रहेगा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभियान अरबर चौक से शुरू हुआ, तिरंगा चौक तक जारी रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि झड़पों के समय अब तक कुल 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 80 को हिरासत में लिया गया है और 104 पर FIR दर्ज की गई। अब पुलिस हिंसा फैलाने वालों की बारीकी से जांच कर रही, ताकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके जो इस हिंसा में हिस्सा लिए थे। साथ ही पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई उसमें और कितने लोगों का नाम सामने आता है। साथ ही पुलिस की जाँच में क्या सच निकलता है, क्योंकि अभी तक पुलिस की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे वैसे इस मामले पर साजिश की परतें भी खुलती जा रही हैं। VideoDesk AmarUjala.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।